कमली ये बोल जो है देहलवी जी ने, आरिफ देहलवी जी ने लिखा है। और जब इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनको बोला था कि मुझे लंबी जुदाई टाइप का गाना चाहिए जिसमें रेशमा जी का उसी के वजह से इतना नाम हुआ, तो इस टाइप का मुझे गाना चाहिए था। और उन्होंने एक ही रात में लिख कर दे दिया मुझे, और ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इन लोगों के साथ हम लोगों ने जो शूट किया, और जो है मुझे एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था। मैं सोच रही थी कि 4.5 मिनट का गाना है, 2-3 घंटे में हो जाएगा, बट सुबह से लेके रात तक हम लोगों ने पूरी जान लगा दी इसमें। एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज ये बेसिकली हमारा सोशल इशू है जो कि हमने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है अपनी इंडियन फोर्स को। सो इट वॉज़ लाइक कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि ममता मैम ने मुझे प्रोवाइड की, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सब लोगों का कि मेरा उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरे को एक्टर ने इतना अच्छा मेरे साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके चले। सो दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे लिए भी एक बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू टू मी। तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ल्ड ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 20 साल से अनेकता और एकता में काम कर रही है, हम ये भी चाहते हैं मतलब ये संगीत को और उसके संगीत के चाहने वालों को इसको भी प्रोत्साहन किया जाए। आज उसको देखते हुए हमारी महिला विंग की जो चेयरमैन है ममता चौधरी जी, आज उनका ये गाना यहाँ पर हमने रिलीज कराया, उसका जो है मतलब शुभारंभ यहाँ से फ्लिप एमटी में किया जा रहा है। तो भगवान करे इनको लंबी उम्र दे और संगीत के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा से अच्छा काम करें।